हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैथ की तैयारी कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैथ में आप 95% अंक कैसे ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में कुछ ट्रिक आपको बताऊंगा जिसकी मदद से जो है कि आप मैथ की एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं, और आप क्लास 10th के स्टूडेंट हों या 12th के स्टूडेंट हों, आप मैथ में बहुत ही अच्छा अंक ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि आप मैथ की तैयारी कैसे करें कि आप मैथ में 95% अंक ला पाएं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि मैथ का नाम सुनकर के आपको घबराना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे बच्चे जो है कि मैथ का नाम सुनकर के ही घबरा जाते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते हैं कि यह मैथ है बहुत ही ज्यादा कठिन है, हम इसकी तैयारी कैसे करेंगे, हमको नहीं आता है। तो यह सब चीजें आपको नहीं सोचना है, आपको चीजों को समझना है, आपको मैथ की तैयारी कैसे करनी है। चलिए हम आपको बताते हैं, अगर इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो इतना गारंटी है कि आप मैथ में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहला जो काम आपको करना है वह यह करना है कि आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक उठानी है। जी हाँ दोस्तों, आपको एनसीईआरटी की बुक उठानी है, और उसके बाद क्या करना है आपको कि एनसीईआरटी की बुक में से जितने भी उदाहरण आपकी बुक में दिए गए हैं, जी हाँ दोस्तों, जितने भी उदाहरण आपके बुक में दिए गए हैं, उन सभी उदाहरण को आप लगा जाइए। आप क्या करिए कि एक कॉपी बना लीजिए और उसमें उन सभी उदाहरण को आप सॉल्व करिए, आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जो एनसीईआरटी के उदाहरण दिए होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, और बहुत बार जो है कि एग्जाम में उदाहरण ही को पूछ लिया जाता है। तो इसलिए आप फोकस करिए, उदाहरण को मत मिस करिए, सभी उदाहरण को आप लगा जाइए। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक अलग से कॉपी बनानी है। जी हाँ दोस्तों, आपको एक अलग से कॉपी बनानी है, और उसमें क्या करना है कि आपको जितने भी उदाहरण आप लगा रहे हैं उसमें कुछ ऐसे उदाहरण आपको लग रहे हैं कि यह उदाहरण हमको अच्छे से नहीं आया, हम इसको भूल सकते हैं, या जो है कि यह बहुत कठिन उदाहरण है, तो आप क्या करिए कि उस कॉपी में उस उदाहरण को लिख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी कॉपी में उस उदाहरण को लिख लीजिए। उसके बाद जब आप कॉपी में लिखे रहेंगे तो क्या होगा कि जब आपका एग्जाम रहेगा तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो उसके एक दिन या दो दिन पहले आप उस कॉपी से रिवीजन कर लेंगे तो वह उदाहरण सभी आपके तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जब आप उदाहरण को लगाएं तो आप एक कॉपी ले लीजिए और उसमें जो है कि जो इम्पोर्टेंट उदाहरण है उसको आप लिखते जाइए। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको 15 से 20 दिन का टाइम टेबल बनाना है, और इसी में जो है कि आपको सभी उदाहरण हल करने हैं। जी हाँ दोस्तों, जो यह उदाहरण आप हल करेंगे उसको आप 15 से 20 दिन का टाइम टेबल बनाइए कि हम दिन में 2 घंटे पढ़ेंगे, 3 घंटे, 4 घंटे, जितना भी आप लगाएंगे आप जो है कि एक टाइम टेबल बना लीजिए, और मात्र 15 से 20 दिन का ही आप टाइम टेबल बनाइएगा, और उसी में जो है कि आप सभी उदाहरण को सॉल्व करके खत्म कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने प्रत्येक चैप्टर के 8 से 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाने हैं। जी हाँ दोस्तों, आप क्या करिए कि जो आपकी बुक में चैप्टर दिए गए हैं उसमें से आप ढूंढिए कि इसमें से 8 से 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, या आपको कहाँ से पता चलेगा, तो यह आपको क्वेश्चन बैंक से मालूम चलेगा कि किस चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप क्या करिए कि प्रत्येक चैप्टर का जो 8 से 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको आप सॉल्व कर जाइए, और उसमें से भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन लग रहा है कि जो आप भूल सकते हैं या एक बार में नहीं आ रहा है तो उसको भी आप इसी कॉपी में लिख लीजिए, बाद में आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। और उसके बाद आपको क्या करना है कि 5 से 10 दिन में सीरीज को पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, जो आप सीरीज लिए हैं मैथ की उसको क्या करिए कि आप 5 से 10 दिन में खत्म कर दीजिए। जब यह उदाहरण आप लगा लेंगे और जो है कि चैप्टर आप लगा लेंगे तो जब आप सीरीज लेकर के बैठेंगे तो सीरीज बहुत जल्दी आप सॉल्व कर लेंगे, मुश्किल से आपको 4 से 5 दिन लगेगा या 10 दिन लग सकता है, और इतने में आपकी सीरीज खत्म हो जाएगी। तो आप जो है कि सीरीज भी एक बार अच्छे से सॉल्व कर लीजिए,
और देखिए कि जो सीरीज में क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं, अगर वह कठिन क्वेश्चन है तब आप उसको भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो यह जो कॉपी रहेगी यह आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा रिविजन करने के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि एग्जाम शुरू होने के 4 दिन पहले सभी क्वेश्चन का रिवीजन करना है। जी हाँ दोस्तों, जो आप कॉपी में लिखे हैं क्वेश्चन, आप उसको क्या करिए कि जब एग्जाम शुरू होने वाला रहे उसके 3-4 दिन पहले, जैसे मान लीजिए कि 8 मई को आपका पेपर है, तब आप क्या करिए कि 4 मई से आप रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, सभी क्वेश्चन को आप लगा जाइए जो आप कॉपी में लिखे हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको मैथ की तैयारी करनी है, इस तरह से आपको टाइम टेबल बना करके तैयारी करनी है, तभी आप मैथ में बहुत ही अच्छा स्कोर पा सकते हैं और मैथ में जो है कि 90% से भी ज्यादा अंक ला सकते हैं। मैंने भी मैथ में जो है कि 95 अंक गेन किया था इस बार 2018 के बोर्ड एग्जाम में। तो इन्हीं सब स्ट्रेटजियों को फॉलो कर करके, तो फ्रेंड्स अगर आप भी क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट हैं तब आप इस वीडियो को जरूर फॉलो करिएगा। जो स्ट्रेटजी आपको बताई गई है इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करिएगा, इतना गारंटी है कि आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। तो फ्रेंड चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।